नमस्कार, मैं एस प्रभाकर दिल्ली एंटरटेनर से बोल रहा हूँ। हाल ही में इंडियन आइडल का एक किशोर कुमार स्पेशल एपिसोड हुआ था, जिसमें सारे पार्टिसिपेंट ने दो एपिसोड्स में किशोर कुमार का गाना गाए थे और हम सब ने देखा कि उनकी परफॉर्मेंसेस इतना संतुष्टजनक नहीं थे। पर इसके अलावा इस प्रोग्राम में जो स्पेशल जज थे, किशोर कुमार का सुपुत्र अमित कुमार, उन्होंने प्रोग्राम के बाद जो टिप्पणियाँ दिया था उसके वजह से अच्छा खासा कंट्रोवर्सी हुआ। अमित कुमार ने ये बोला था कि वो लोग की परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं थे। उसके अलावा ये बोला गया था कि उनको ऑर्गेनाइज़र से कि पार्टिसिपेंट्स कैसे भी गाएं, आप सिर्फ उनका तारीफ ही कीजिएगा। तो इसके बाद इस प्रोग्राम की जो एंकर रहे हैं आदित्य नारायण ने भी अमित कुमार के ख़िलाफ़ काफ़ी स्टेटमेंट्स दिया था कि उनको ऐसे कहना नहीं चाहिए था। हाँ, मैं भी मानता हूँ अमित कुमार को वो कहना नहीं चाहिए था। उसके अलावा जब उनको ये बुलाया गया आपको और बोला गया कि पार्टिसिपेंट्स कैसे भी गाएं, आप तारीफ़ कीजिए, कि ऐसे क्या मजबूरी थी, वो प्रोग्राम में आना ही था उनको। अगर अपना पिताजी का सम्मान रखते हुए जब भी कोई चैनल ऐसे कंडीशन रखता है, उनको पार्टिसिपेट ही करना नहीं चाहिए था और तब जाके लोगों को बोलना था कि भी इन्होंने मेरे को अप्रोच किया इस कंडीशन के साथ, तब उनको हम सराहना करते हैं। वो प्रोग्राम में आए, पार्टिसिपेट किया, जो पैसे दिया वो ले गए और उसके बाद ये टिप्पणी देना शोभा नहीं देता उनको। अब चाहे इंडियन आइडल हो या उसके जैसे सारेगामा और दूसरे रियलिटी शोज हिंदी में होते हैं, उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। ये सारे रियलिटी शोज टैलेंट सर्चिंग के पर्पज से ही किया जाता है, लेकिन जब हम ये प्रोग्राम देखते हैं टैलेंट सर्च कम होता है और प्रोग्राम की TRP बढ़ाने का नौटंकियाँ ज़्यादा होते हैं। पहले जो जजेस आते हैं उनकी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह होता है। इस बार जैसे हमने देखा गया नेहा कक्कड़ थी, हिमेश रेशमिया, तो किसी भी मापदंड में इन दोनों को उच्च कोटि कलाकार मान नहीं सकते हैं जिनको जज की तौर से बुलाना चाहिए था। अब अनु मलिक तो नो डाउट एक अच्छा उच्च कोटि म्यूज़िक डायरेक्टर है, पर उनका बिहेवियर शुरू से ही काफ़ी अजीब सा रहता है। वो क्या बोलते हैं, किस मूड में होते हैं, किसी को समझ में नहीं आता। शुरू शुरू में इनिशियल राउंड्स में आप इतनी क्रिटिकल होते हैं सिंगर्स के बारे में, इतनी उनकी बेइज्जती करते हैं कि कह नहीं सकता कोई भी। तो अनु मलिक जी को मैं कहना चाहता हूँ, जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का शुरुआत किया, क्या पहली दिन से वो इतना उच्च कोटि म्यूज़िक डायरेक्टर बन गए हैं क्या? कम से कम उन्होंने 10-15 साल चक्कर काटे हैं और उनके पहले 15-20 फिल्म तो कोई जानता भी नहीं है किस किस्म का उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्शन दिया। बाद में वो पॉपुलर बन गए, तो हर एक आदमी के ज़िंदगी में एक 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 जर्नी होता है। तो कोई भी सिंगर हो, अगर इनिशियल राउंड्स में अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आप उनको आमंत्रित मत कीजिए, उनको पास मत कीजिए, पोलाइटली बोल दीजिए। लेकिन ये कहना, क्रिटिसाइज़ करना, अपनी आवाज़ सुना है क्या, अपने आप को क्या समझते हो, कभी ज़िंदगी में आप सिंगर बन सकते हो क्या, ऐसे ऐसे टिप्पणियाँ देना, उनसे कभी उम्मीद नहीं किया जा सकता ऐसी चीज़ों का। लेकिन वो भी ऐसे कहते हैं और चैनल भी ऐसे चीज़ों को एनकरेज करते हैं। नाउ अब कंटेस्टेंट्स के बारे में जब बात करते हैं, जब सारे एलिमिनेट होने के बाद लास्ट 10 कंटेस्टेंट्स आते हैं, तब से असली नौटंकियाँ स्टार्ट हो जाते हैं। चारों तीन जजेस अपने अपने फेवरेट सिंगर्स को चुन लेते हैं, चाहे मन में नहीं रखते हैं। अगर मन में भी अगर आपको लगता है कोई सिंगर मेरे को अच्छा लगता है, आपको मन में रख लेना चाहिए, लेकिन वो पब्लिकली अनाउंस करते हैं ये मेरे फेवरेट सिंगर है, यही इंडियन आइडल बनेगा या यही विनर बनेगा करके। तब से स्टार्ट होता है, चाहे वो कैसे भी गाएँ, तारीफ के पुल बंधे जाते हैं। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जजेस आपस में आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यू करना नहीं, एक दूसरे के ऊपर चीखना, चिल्लाना, खड़े हो जाना, सब किस्म की नौटंकियाँ करते हैं। और मज़ेदार बात है कि
चैनल वाले इन सब चीज़ों को एडिट नहीं करते, ऊपर से उनको 6-7 फ्रेमों में दिखाते हैं बड़ा म्यूज़िक के साथ। अब उनका देखा देखी कंटेस्ट भी शुरू कर देते हैं, आर्ग्यू करना या इमोशंस दिखाना, और उसके अलावा उनका जितने भी रिश्तेदार आते हैं वो भी ज्वाइन हो जाते हैं इस बैंड वैगन में, कि भी वो भी कई कई बार चीखना चिल्लाना क्वेश्चन करना, जजेस की जजमेंट तक क्वेश्चन करते हैं कि भाई मेरे बेटा या मेरी बेटी आना चाहिए, आपने ऐसे जज कैसे कर दिया। अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है या तमाशा हो रहा है, कि पार्टिसिपेंट्स में बैठे हुए रिश्तेदार के बोलने का हक कैसे किसने दिया। अगर उन्होंने बोल भी दिया तो आप एडिट तो कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं, वो भी चाहे जजेस बोलते हो या कंटेस्टेंट बोलते हो या पार्टिसिपेंट बोलते हो, ये सारा स्क्रिप्टेड ही होता है, कि चैनल चाहता है कि ऐसा तमाशा हो और उससे आप नौटंकी चलाते रहे और अपना अपना टीआरपी बढ़ाते रहे। अब इसके अलावा और एक चीज़ मैं देखता हूँ कि साइड स्टोरीज चलाते हैं जजेस ही, अगर 10 पार्टिसिपेंट्स हैं तो उसमें एक दो का लव अफेयर चलाते रहते हैं, अब पूछते रहते हैं, फिर वो पार्टिसिपेंट शर्माते रहते हैं, फिर उनका ड्रामा होता रहता है, उनके लिए अलग गाना गाया जाता है, और एक किस्म के जो होते हैं उनकी सोप स्टोरीज होते हैं, कोई कोई मोची होता है, कोई धोबी होता है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर होता है, जो भी उनका बैकग्राउंड है, जो मॉडेस्ट बैकग्राउंड है उसको हाईलाइट किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, वो भी फिर रोना धोना शुरू कर देते हैं, फिर जजेस जाके उनको समझा देते हैं, अरे बाबा ये सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है या किस चीज़ का कंपटीशन हो रहा है, व्हेन इट इज़ अ सिंगिंग कंपटीशन नाम के अलावा कुछ भी पूछ, नाम और उम्र के अलावा कुछ भी पूछना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या, कल कोई रईस आदमी का बेटा या बेटी आता है उनको जीतने का कोई हक नहीं है, ये गाने के बेसिस में हो रहा है ना, जो अच्छा गाता है उनको जीतना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, लेकिन ये भी एक एक प्लॉट के अंदर सब प्लॉट होता है। तो ये जितने भी है ये चैनल वाले ही स्टोरीज कुकिंग करते हैं, और जजेस को पार्टिसिपेंट को और जो गेस्ट्स आते हैं उनको भी दिया जाता है, एंड एवरीबडी प्लेज देयर रोल। अब आप जहाँ तक कंटेस्ट होता है चाहे से कैसे भी गाएं, मैंने हैरान हूँ कि एपिसोड के बाद एपिसोड में पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ, लास्ट टर्न कंटेस्टेंट ऐसा लगता है कि वो कोई गलत गा ही नहीं सकते, कोई गाना गाए कैसे भी गाए बस जजेस वाह वाह करने के अलावा तारीफ करने के अलावा कुछ नहीं कहते। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हर एपिसोड में हर सिंगर हर गाना 100% अच्छा गाता है। अगर ऐसे अगर हमारा जजेस कहते हैं कि मेरे को उनकी जजमेंट के ऊपर ही एक प्रश्न चिन्ह उठाना पड़ता है मेरे, ये कभी भी हो नहीं सकता कि हर कंटेस्टेंट हर गाना अच्छा गा रहा है। ये लोगों को या तो जज करना ही नहीं आता, कमेंट्स करना नहीं आता, उनको करेक्ट करना नहीं आता, उनको इनपुट्स देना ही नहीं आता। नहीं तो अगर इतना बहुत बढ़िया गा रहे हैं, अभी तक इंडियन आइडल का 12-13 एपिसोड हो गए हैं या सरेगामा का कुछ 20-25 एपिसोड हो गए हैं, इन जितने भी विनर्स रहे, रनर्स अप रहे, टॉप 4-5 रहे, इनमें से कितने सिंगर बने, सिर्फ दो, एक श्रेया घोषाल एक अरिजीत सिंह, दैट्स ऑल। ये एपिसोड्स ख़त्म होने के बाद जैसे ही विनर डिक्लेयर हो जाता है हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, प्लेबैकिंग सिंगिंग छोड़िए, सिंगिंग की दुनिया में उनका कोई नाम नहीं होता। अगर इतना अगर बढ़िया गा रहे थे, अगर ये जजेस सोचते हैं कि भी इनमें कोई कमियां ही नहीं है, तो ये सिंगर्स क्यों नहीं बन रहे हैं? और इसके कंपैरिजन में मैं एक हमारा जो वन ऑफ द लेजेंडरी सिंगर एस पी बालसुब्रमण्यम, जिनका सितंबर में देहांत हुआ था, वो कैसे जज करते हैं मैं बताता हूँ, तब पता लगेगा आपको कि इस प्रोग्राम्स में क्या कमी है। एस पी बालसुब्रमण्यम जी टिल हिज डेथ तेलुगु तमिल कन्नड़ा तीनों चैनलों में ऐसे म्यूज़िक शोज़ का कंपेयरिंग भी करते हैं, जजिंग भी करते हैं, एंकरिंग भी करते हैं, और उस प्रोग्राम्स में चाहे 6 साल का बच्चा हो या टीन एज सिंगर हो या 20+ का एज वाला सिंगर, जो भी आते हैं ये सबको बराबर ट्रीट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो जब गाना शुरू करते हैं हेडफोन्स लगा कर बैठते हैं और लिरिक्स अपने टेबल पे रखते हैं, जैसे गाना चल रहा है ही कीप्स ऑन नोटिंग, नोटिंग करते जाते हैं, नोटिंग करते जाते हैं, गाना जैसे ख़त्म होता है फिर
उनको पहले तारीफ़ करते हैं, आपने गाना कितना अच्छा गाया, कहाँ कहाँ बहुत अच्छा गाया, वो सारा तारीफ़ होने के बाद वोकल टोन्स के बारे में और उनकी ऊंच नीच हाई पिच में लो पिच में उन्होंने कैसे गाया वो सब एक्सप्लेन करते हैं, तारीफ़ वाला पोर्शन हो गया। बाद में कम से कम 2 मिनट लेते हैं ये पॉइंट आउट करने में वो कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे। ये पहले भी बताता है कि मैं जब बोल रहा हूँ गलत मीन्स कि आप में कोई गलती नहीं है, इस गाने गाने के स्टाइल में आपने थोड़ा गलती किया करके पॉइंट आउट करते हैं। कई बार उन्होंने जहाँ जहाँ नोटिंग करते हैं उनको बोलते हैं फिर से गा के सुनाइए, गाने के बाद फिर वहाँ कहते हैं रुकिए, इसको आपने ऐसे गाया, इसको ऐसे गाना चाहिए था, हाई पिच में लो पिच में, या सांस की प्रॉब्लम है, सांस लेते वक्त छोड़ते वक्त आप कुछ वर्ड्स को खा गए हैं, तो ऐसे करके काफ़ी काफ़ी इनपुट्स देते हैं हर एक सिंगर को, चाहे वो 6 साल की छोटी बच्ची हो या बड़े हो, या इवन जो अल्टीमेटली जाके विन करते हैं उनको भी वो इनपुट्स देते हैं कि ये कंटेस्ट जो होते हैं उसका पर्पस यही है। एक बड़े सिंगर को आपको बुलाते हैं जो आपसे बहुत बहुत तजुर्बा रखते हैं, उस तजुर्बे से आपको कुछ सीखने को मिले। आपने जैसे मैंने अभी बताया कभी भी इंडियन आइडल में या सरेगामा में देखा आपने किसी को करते हुए, हर एक की तारीफ, हर एक की वो। दूसरा चीज़, मैं 18 साल से ये प्रोग्राम ETV में देख रहा हूँ तेलुगु में, 18 साल में एक भी एपिसोड ऐसे नहीं हुआ कि किसी कंटेस्ट ने कभी भी अपना इमोशंस दिखाया हो या चीखना चिल्ला तो दूर की बात, और उनके जो रिश्तेदार आते हैं माँ बाप भाई बहन किसी को भी बोलने का कोई हक नहीं, मैंने एक भी फुटिंग नहीं देखा कि किसी रिश्तेदार ने कभी कुछ बोला हो या किसी कंटेस्ट ने कुछ बोला हो। गाइए, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो अच्छा, नहीं सेलेक्ट होता तो उनको भी काफ़ी एनकरेजिंग वर्ड्स कह के भेज देते हैं। सो अगर ये चीज़ दूसरे प्रोग्रामों में होता है हमारे इंडियन आइडल में क्यों नहीं होता, अगर आपको ये गलतफहमी है कि इनका स्तर बहुत ऊंचा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन आइडल में अभी तक 2 विनर्स, एक रनर अप और 6 टाइम्स टॉप 4 में जो आए हैं वो सारे तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं, जो ये SP बालसुब्रमण्यम की कंडक्ट किए हुए प्रोग्राम से निकल के आए हैं, और इसमें कम से कम 5-6 लोग अभी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर्स बन गए, तो उनका भी स्तर कोई नहीं कम ही नहीं है। बट फिर भी वहाँ जब करते वक्त कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही सकते हैं, ऐसा कोई उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अगर जजेस को ये पता ही नहीं लगता कि क्या गलत कर रहे हैं या उनको गलती क्या है पॉइंट आउट करना चाहिए और कैसे सुधार सकते हैं अपने आप को ये पॉइंट आउट करना चाहिए करके अगर नहीं पता होता है वो मेरे हिसाब से जजेस ही नहीं, जजेस बनने का काबिल ही नहीं है। और कभी कभी कितने अच्छे भी गाए, अब मैं और एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, SP बालसुब्रमण्यम जी पिछले 12-13 साल से एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे ETV में शाम को, वो खुद आते हैं और काफ़ी सिंगर्स आके पुराना पुराना सारा गाना गाते हैं 3 घंटे के लिए, तो कई बार एक दो बार ऐसे हुआ कि SP बालसुब्रमण्यम अपनी खुद की गाना गाए थे, बहुत बढ़िया गाया, सबने ताली बजा दिया, एंड में जाने से पहले उन्होंने ये कहा चलो जी मैंने गाना गा लिया और आपने ताली भी बजा दिया लेकिन मैं मेरा मन नहीं मानता, मैं एडमिट करना चाहता हूँ मैंने आज ये गाना ठीक नहीं गाया, एक दो जगह गड़बड़ हो गया मेरे से, और वो बताते हुए भी यहाँ पे मैंने ये गलत किया। तो एक सिंगर जो 53 ऐसे प्लेबैक सिंगिंग कर रहा है और 40,000+ गाना रिकॉर्ड कर चुका है, 6 नेशनल अवार्ड विन कर चुका है, वो भी किसी दिन परफॉर्मेंस थोड़ा ख़राब दे सकता है, तो ये कैसे हो सकता है कि इंडियन आइडल और सरेगामा में जो भी कंटेस्ट आता है कभी कोई गलती नहीं करते, ये मैं मानने का तैयार नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो प्रोग्राम की फॉर्मेटिंग में कुछ गड़बड़ है और ये जो जजेस हैं उनकी जजमेंट कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ही डाउट्स होता है। तो मेरे ये गुजारिश है इन चैनलों से ये जो भी कंडक्ट करते हैं आत्ममंथन करें और प्रोग्राम के फॉर्मेट ऐसे करें कि जजेस जो भी आते हैं उनका अपना खुद की कैपेबिलिटी पहले देखिए जज करने की। कई कई बार ऐसा होता है अगर आप अच्छा सिंगर बन हो सकते हैं, अच्छा लिरिसिस्ट हो सकते हैं, अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप अच्छा जज हो। जिसको जजमेंट की कैपेबिलिटी हो, जिसको
गलती पकड़ने की और पॉइंट आउट करने की, उसको सुधारने की कैपेसिटी हो, उसको ही जज बनने का हक है। तो ये जो प्रोग्राम्स करते हैं आप सिंगर्स को एंकरेज करने के लिए और उनको ठीक रास्ता दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, ताकि आगे जाके वो अच्छा सिंगर बन सके, आपका पर्पस ये होना चाहिए। ये नौटंकियाँ करना और TRP बढ़ाना, गेस्ट को बुला के भी ये बोलना कि भाई तारीफ ही करो आप, अगर आप गेस्ट को आप अगर आप ये बोल रहे हो तो आप अपने जजेस को क्या बोल रहे होंगे, उनको तो रेगुलरली आप पैसा देते हो, तो वो वही बोलेगा जो आप करोगे कि तारीफ ही करते जाओ, तारीफ करते जाओ। और इंडियन आइडल से बढ़कर कोई प्रोग्राम नहीं है, या सारेगामा से कोई बढ़कर प्रोग्राम नहीं है, बस इसी रेस में लगे रहो कि हमारा प्रोग्राम अच्छा है, हमारा प्रोग्राम अच्छा है। तो इससे किसी भी सिंगर का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये है, तो मैं IAS प्रभाकर, टेक योर लीव।